अरे विनोद, 400 पार की बात करते थे, वो छोड़ो, इतना भी नहीं पाए कि अकेले के दम पर सरकार बना लें। भैया जी सही बताएं, मजा आ गया, लेकिन अब दूसरा का सहारे कब तक चलेगी सरकार, राम ही जाने। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अरे यही नहीं विनोद, इनका बड़का बड़का मंत्री लोग भी हारा है। जनता इलाज कर दीन भैया जी। वाह वाह, क्या बात बोली, मजा आ गया, मजा आ गया। 400 पार करने का दावा करने वाले मोदी जी बहुमत का आंकड़ा भी छूने से 32 सीट पीछे रह गए। इस बात का विपक्ष के नेता समय समय पर मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन बीजेपी वाले अपनी खुशी से ये कहकर अपने आप को सांत्वना देते हैं कि कांग्रेस भी कौन सी जीत गई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि विपक्ष इस दौर में जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा में मोदी सरकार पर भारी पड़ रहा है, उसका पहला हफ्ता ही मोदी सरकार के लिए नाक से चने चबाने से कम नहीं था। आप देखे तो राहुल गांधी के 1.5 घंटे के भाषण में मोदी सरकार के 5 से ज्यादा मंत्री और अमित शाह एक साथ मिलकर राहुल गांधी से बीजेपी को डिफेंड करना पड़ा। साथ ही साथ लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी नेताओं की बड़ी संख्या ने ट्रैक से उन्हें उतारने का काम किया। इसी बात को समझाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्टून वीडियो को शेयर करते हुए ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा है, कैसे जनता ने इनके पर कतर दिए। हाँ भैया, कि जनता ने मोदी और शाह के पंख काटने के काम किया। तस्वीरें में देखें तो पीएम मोदी के पंख कतरे हुए नजर आ रहे हैं और जनता कैंची चलाते हुए मोदी जी को डराने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ विनोद से बात करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, जनता ने इस बार इनको सबक सिखा दिया है। देख रहा है विनोद, बहुत उड़ते रहते थे, कैसे जनता ने इनके पर कतर दिए। हाँ भैया, अब तो उड़ने ही नहीं पाएंगे, जमीन पर रहेंगे। अरे कैसे उड़ेंगे, देश की जनता ही आईना दिखा दीस ना। भैया जी का देख रहे आईने में बाबूजी ने। अरे विनोद, 400 पार की बात करते थे, वो छोड़ो, इतना भी नहीं पाए कि अकेले के दम पर सरकार बना लें। अपना ही क्षेत्र में हारते हारते बचे हैं, खाली 1.5 लाख वोट से जीते हैं बनारस। 1.5 लाख वोट, तो बड़ करने तो हो के बस 1.5 लाख वोट से जीता, शर्म की बात है भैया जी। अरे यही नहीं विनोद, इनका बड़का बड़का मंत्री लोग भी हारा है। जनता इलाज कर दीन भैया जी।